मेरी पर्सनल लाइफ तो तुम्हारी वजह से बंद गई। और प्रोफेशनल लाइफ का क्या? उसका क्या बताऊं, परेशान हूँ। घर में बड़े भैया भौंकते हैं, ऑफिस में आदेश काटता है। अरे आदेश से मुझे याद आ गया, आपके साले ने आदेश की फैमिली को कल नाश्ते में बुलाया है। राम, ये डिसीजन साला कैसे ले सकता है? ये सपना मेरा है। लेकिन ये डिसीजन लेने वाले वो नहीं है। फिर कौन है? सोता हुआ प्रेम प्रताप सिंह। ये उसका थॉट है जो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब समझा मैं, जैसे मैंने साले साहब की क्लास ली थी वैसे ही आदेश की भी बैंड बजाऊंगा। ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की गई है। निशाने पे तीर मारा है काका। इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल, साइकोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल लाइफ में हर जगह नंबर वन हो जाएंगे। आप अपने सपने के बादशाह बन जाएंगे। यही उस प्रेम प्रताप की ख्वाहिश थी। यस, आई एम बादशाह। वही जंग शुरू करता है और खत्म भी। भाई साहब, ये खाना कोई मामूली खाना नहीं है, ये तो 5 स्टार से भी बढ़िया खाना है। ये खाएगा तो मेरे जैसा हो जाएगा। प्रेम प्रताप। क्या प्रेम प्रताप, क्या है रे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे भाई साहब, इन्होंने तो सुबह सुबह शुरू कर दी। ऐसा नहीं है समधी जी, ये शादी होने तक मस्ती करने के लिए मैंने ही परमिशन दी है। है कौन तू परमिशन देने वाला? ढोलक, घोचू, गेंडे, दिस इज माय लाइफ, मेरी पसंद, मेरी ताकत, मेरी खुशी। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसा है। क्या फर्स्ट टाइम? 20 साल से मैं डे एंड नाइट पी रहा हूँ, मेरी जूती भी पीती है। क्यों घूर रहा है वे? तुझे चखनी है क्या? बिना चखने के इस गधे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रामराज। राम क्या देगा, बाबा जी का ठुल्लू? हाँ सर, मुझे लगता है इसे तुम ही मैनेज कर सकते हो, जरा संभालो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। गुरु जी, कैसा है तू? उन्हें बहुत बुरा लगा। तू उसकी साइड में कि मेरी? मेरी खातिर देगा। मेरा हमजोली बाहों की डोली में लेके जा रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। सॉरी समधी जी। आदेश, साधु भाई के लोग शहर में आ चुके हैं, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आई है। अगर ऐसा है तो बादशाह हमारे चंगुल से दूर नहीं। बादशाह तुम्हारे सामने बैठा। What? Yes, बादशाह तुम्हारी आंखों के सामने है। ये है बादशाह। Yes, मैं हूँ बादशाह। हम ही जंग शुरू और खत्म करते हैं, बाकी सब घास चरते हैं। सॉरी आदेश, okay. तुम इसकी बात छोड़ो, बस इस पर फोकस करो कि साधु के लोग कहाँ हैं। श्योर सर, आज से मैं और मेरी टीम यही करेंगे। इसकी T20 की टीम है क्या? आदेश, साधु भाई के लोग आधे घंटे में शहर में पहुंच जाएंगे। पुलिस ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है, तुम उन्हें सावधान कर दो। मैं पहले ही पता कर चुका हूँ, साधु भाई का राइट हैंड रॉबर्ट और राकी रसूल सिटी के बाहर विरार तक पहुंच चुके हैं। गुड, आप उदास क्यों है डैड? ये पुरानी जगह देखकर तुम्हारी माँ की याद आती है। छोटी सी खोली में हम तीनों रहते थे बेटा। मेरे लिए जिंदगी में पैसा ही बहुत मायने रखता था, और वो पैसे की जगह रिश्तों में अहमियत रखती थी। तब मुझे वो समझ में नहीं आया था, मैंने गलती की थी, मैंने उसे खो दिया। मैंने आपको माँ के बारे में नहीं बताया, आई एम सॉरी पापा। मेरा मकसद पूरा होते ही मैं आप दोनों को एक दूसरे से खुद मिलवाऊंगा। प्रेस मीटिंग बुलवाऊं? पर क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है, अपना टैलेंट लोगों को नहीं बताएंगे तभी वो सोता हुआ प्रेम प्रताप सैटिस्फाई होगा, है ना? हाँ चाचा। हाँ तो देर किस बात की? तो सब तैयार है, मैं सनसनी फैला दूंगा, डिपार्टमेंट को हिला दूंगा, माफिया को हमेशा के लिए सुला दूंगा। एक ही दिन में साधु भाई के लोगों को पकड़ कर दिखाऊंगा। अगर वो सुन रहे हैं तो पकड़े जाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। मेरे खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं हूँ खड़क सिंह। आदेश सर, मैं इसे अपनी बहन की वजह से टॉलरेट कर रहा हूँ, ये क्रॉस हिज लिमिट्स, मैं उसे अभी सस्पेंड कर दूंगा। रेस्ट मीट बुलाओ। पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो गई है, और देर नहीं करेंगे, मटेरियल को आज रात को ही भेजना होगा। इस बात में अगर जरा सी भी देर हुई तो साधु भाई छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई लोग, मुंबई तो है ही, दिल्ली, हैदराबाद और कलकत्ता में एक ही समय में ये ब्लास्ट होना चाहिए। कल पूरी दुनिया में सारे टीवी चैनल्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। कौन है बे तू? बताता हूँ चपड़गंजो, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के कच्चे बनियान से लेकर पैंट तक सब गीला हो जाता है। और भी सुनो, मैं वो पत्थर हूँ जिससे मुजरिम टकराता है तो चूर चूर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है चपड़गंजो। और तारीफ सुनो, जब मैं कहीं धावा बोलता हूँ तो मुजरिम मुझसे बचने के लिए खुद पैर पड़ता है। मेरे बाप ने एक शराब खाने में दारू पी के दारू खाना तोड़ दिया था, उसे इनाम मिला था। और मेरी माँ ने
भाजी बेचते समय एक भाजी चोर को पकड़ा था और उसके पैसे भी छीन लिए। ऐसे माँ बाप का खून मिलाकर जो बच्चा पैदा हुआ वो मैं हूँ प्रेम प्रताप सिंह। बाप के पैसे की दारू पेट में और देखने में शक्ल चोरों की तरह है, तू कर क्या लेगा बे? मैं तो डर गया, ये नकाब किस लिए? एलर्जी है क्या? नहीं चाचा, आपको फेमस करने के लिए ये किया है। आप कार में बैठिए, इनका खाता खाली करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। इस बम ब्लास्ट में ढेर सारे बेगुनाह लोग खामखा मारे जाएंगे। तुम्हें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मार साले को। सर, मैंने सारा आरडीएक्स रिकवर कर लिया है। उनका प्लान नाकाम हो गया। अब तो साधु भाई को डेफिनेटली मुंबई आना पड़ेगा। यू आर करेक्ट राम, अब हम टारगेट के बहुत ही करीब है। गुड लक। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर प्रेम प्रताप सिंह। शराब पीने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनका स्टेटमेंट था कि वो साधु भाई के आदमियों को पकड़ेंगे, जो कि बेबुनियाद है। और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, और इसीलिए इसी रोज से उन्हें सस्पेंड किया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये डेड बॉडी है रॉकी रसूल की, साधु भाई का आदमी। बेटा गधे हुक्म का इंतजार करते हैं, शेर सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। मैं वो शेर हूँ जो दहाड़ता कम है और काटता ज्यादा, आप वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकता है काटता नहीं। ये प्रेम प्रताप कहता है साधु भाई कैंसर ठीक हो सकता है, एड्स सुधर सकता है, लेकिन तुम जैसे कुत्तों की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ खड़क सिंह खड़कने वाला। वाह 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 वाह, क्या खड़काया है सर। इस परफॉर्मेंस से आपके साले की खिड़की बंद और आदेश की खटिया खड़ी हो गई। एक काम करो राम, मुझे एक लड़की चाहिए अर्जेंट। कैसी घटिया बातें कर रहे हैं। इसमें घटिया क्या है बेटा, फिल्मों में हीरो की फाइट के बाद एक आइटम सॉन्ग होता है ना, मुझे आइटम गर्ल दिला दो। आइटम गर्ल? ऐसी वैसी आइटम गर्ल नहीं चाहिए, या अनुष्का लाओ या कनुष्का, या फिर दोनों को ले आओ। अरे सर ये इतना आसान नहीं है। कहां से लाए? आसान क्यों नहीं है, सपने में कुछ भी हो सकता है, ये सपना ही है ना। अरे सपने में भी प्रॉब्लम है सर, हम तय नहीं कर सकते। फिर कौन तय करेगा? सोता हुआ प्रेम प्रताप तय करेगा, जिस लड़की को वो डिसाइड करेगा वही उसे एंटरटेन करने आएगी। अरे तुम भी बताओ। पता नहीं उसकी क्या चॉइस है। भाई, हम ब्लास्टिंग ऑपरेशन पर जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे उसको फेल करने के पीछे जिसका हाथ था वो ये है, पुलिस का इन्फॉर्मर। तेरे मरने से पहले तुझे एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हम अपने हर काम को 100% अंजाम देते हैं। साधु भाई को आज तक उनके इरादों में कोई नहीं हिला पाया। वो एक आदमी है। कौन है वो? बादशाह के नाम से ही तुम्हारी आंखों में डर दिखने लगा है। तुम डेफिनेटली बादशाह के हाथों मारे जाओगे। तेरे मरने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, बादशाह उसी के साथ है जिस अफसर के साथ मैं काम करता हूँ।
ऑफिसर? कौन ऑफिसर बताओ मुझे, कौन ऑफिसर? बादशाह पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, पहले भी उसने एक बार मुझे पीटा था, मैं पूरी तरह से समझ गया वो नकाबपोशी बादशाह है। करेक्ट भाई, क्योंकि प्रेम प्रताप सिंह पुलिस के नाम पर धब्बा है, वो तो एक जेब कतरे तक को नहीं पकड़ सकता। उस टेंगू से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बादशाह और उसके पीछे जो पुलिस वाला है वो दोनों चाहिए। जैसे शादी का दिन पास आते जा रहा है, टेंशन से मेरी जान जा रही है। टेंशन मत लो, वो गेंद छोड़ के फुटबॉल से खेलेंगे, तुम बस खेल देखती जाओ। हे रामराज, तू यहाँ दूसरे की वेडिंग प्लान करने आया था, अपनी वेडिंग प्लान करने लगा? शक्ल ऐसी, सीरत वैसी, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, लड़की को क्यों पटा रहा? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो और किससे पूछूं? सोते हुए प्रेम प्रताप से पूछिए ना, कितनी बार समझाया कि ये लोग और आने वाले सीन सब उसका सपना है, फिर भी आप बार बार मुझसे सवाल करते हैं। हाँ हाँ याद आया, सॉरी राम, फर्स्ट टाइम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, उस गधे की सोच इतनी गंदी क्यों है साली? ये लो, ये बात मैं कैसे जानूं? करेक्ट है, लेकिन ये सब जानकी को याद तो नहीं रहेगा ना? अरे पागल हो, आपका सपना उसे कैसे याद रहेगा? तू नाराज मत हो राम, वो प्रताप इतना अजीब सोचता है कि ये प्रताप कंफ्यूज हो जाता है। राम, उन्होंने हमारे इन्फॉर्मर केशव का कत्ल कर दिया है, हमें पूरा यकीन है कि साधु भाई शहर में ही है इस वक्त, तुम जरा सावधान रहना, हमारा मिशन कंप्लीट होने से पहले किसी को बादशाह के बारे में कुछ भी पता ना चले। मैं बादशाह हूँ ये तो मेरी माँ भी नहीं जानती सर। ओके ओके सर। बादशाह, बोल, पूरे देश की पुलिस जिस मुजरिम के पीछे पड़ी है वो तू है? नहीं माँ, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना, जिसका डर था वही हुआ, अपने पिता की तरह तू भी एक मुजरिम बन गया ना? जी जी, मेरे जिंदा रहते मुझे अपना मुख कभी मत दिखाना। माँ, मेरी बादशाह बनने की वजह है सिद्धू। और कितना वेट करेंगे माँ? होगा। हाय माँ। कैसे है बेटा? हाय भैया। सिद्धू, तुझे पता है ना मैं आज यूएस जा रहा हूँ, सोचा साथ मिलकर नाश्ता करेंगे तो तू लेट आ गया। इसके लेट आने के पीछे कोई रीजन होगा। वो कुछ भी करे वो सही है ना? इनको प्रिंट कराने में टाइम लग गया। तुम जब कॉफी पियोगे तो माँ और मेरी याद आएगी, ठीक वैसे ही जब हम पियेंगे तो तुम्हें याद करेंगे भैया। देखा इसे, ये है तुम्हारा भाई। पागल है ये, हाथ देना। अब तू मुझे हर सेकंड याद करेगा, कैसा लगा माँ? तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना। मैं तो रहूंगा माँ, इन पर डाउट है। मुझ पर डाउट है? वो तो हो गई, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने की बजाय तुम यूएस क्यों जा रहे हो? देख, यहाँ आईएएस आईपीएस को जितना मिलता है ना, उससे 10 गुना वहाँ कमाऊंगा। सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं, तभी अमेरिका तरक्की कर रहा है और हमारा देश पीछे रह गया है। अच्छा, बैंगलोर कहाँ है? इंडिया में है ना? अच्छी नौकरी मिल रही थी फिर भी नहीं गया, क्यों माँ? तो क्यों नहीं गया वहाँ? माँ, भाई तो बचपन से तुम्हारे साथ है, मैंने लेट जॉइन किया था ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे सड़क से उठाया और प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ये मैं कैसे भूल जाऊँ माँ? ए, ऐसी बातें करेगा तो थप्पड़ खाएगा, देखो ना माँ, ये मुझे बिल्कुल सगा नहीं समझता। अच्छा सॉरी भाई, दोबारा नहीं कहूँगा। ऐसा कहा ही क्यों? सॉरी बोला ना। ठीक है ठीक है। इसकी मूंछ में गुस्सा है, ये लो।